भाई, आप यहाँ पे गांव के लोग हैं सारे, यहाँ का सबसे बड़ा मसला क्या है? सर वहाँ से पहले जो है पानी का मसला, ठीक है, इधर रेत है, कुछ पानी कोई नहीं है, उसके अलावा रोड का है, उसके अलावा लाइट का है, स्कूल भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है, कोई हमारे लिए इधर कोई सहूलत नहीं है, बिजली भी नहीं है, इधर बिजली भी नहीं है, तो कोई भी नहीं है। क्या करते हैं आप शाम को, मतलब किसमें लाइट कौन जलाते हैं? हम लाइट वाइट कुछ भी नहीं, हम जो है ये सेलों पे जलाते हैं, डिया का घास ले आते हैं, उसमें पे हमने जल दिया। जब बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? सब तकलीफ ऐसा जाम आए क्या चीज तकलीफ है, इधर कोई सारे भाग जाते हैं, उमरकोट में जाके इलाज कराते हैं। अच्छा, तो बहुत से लोग मर भी जाते होंगे रास्ते में? रास्ते में मर जाते हैं ना, इधर उल्टू पे गद्दों पे लेके जाते हैं लोगों को बीच में। ये जो बच्चे हैं, ये ऑब्वियसली स्कूल तो जाते नहीं होंगे, करते क्या है? स्कूल है इधर कोई नजदीक स्कूल भी नहीं है ना, तो ये करते क्या सारा दिन? सारा दिन ऐसे बैठे हुए हैं और क्या करें, पानी भरते रहते हैं, बस पानी भरते रहते हैं और कोई काम नहीं है पानी। अच्छा, ये स्कूल वगैरह तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते, आप ही देख सकते हैं ये बच्चे यहाँ के, ऑब्वियसली जो है यहाँ पे स्कूल तो है ही नहीं, और यहाँ पे एक ही काम है मुशक्कत का, वो है पानी निकालना। तो यहाँ के सदर जो है वो आप जानते हैं कौन है? आसिफ अली जरदारी सदर बोलते हैं। वो बोलते हैं क्या, आपने जानते नहीं? आप जानते नहीं? जानते बिल्कुल नहीं, 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 नहीं। बस सिंध के हैं वो, सिंध के। उनके लिए कोई पैगाम है आपके जहन में? नहीं, हमारे लिए हम क्या करें। अच्छा, आप नवाज शरीफ साहब को जानते हैं? नहीं, नवाज शरीफ ऐसे लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं नवाज शरीफ है। आप जानते नहीं कौन है? कायम अली शाह साहब को जानते हैं आप? नहीं जानते हूं सर। आप जानते नहीं कौन है वो? भाई वजीर आला सिंध है वो, पता नहीं आपको? लोग ऐसे बोलते हैं वजीर आला के, पता नहीं, हम नहीं जानते। आप वो कभी आए नहीं इधर? इधर आया ही भी नहीं। अच्छा जी, ये हुक्मरानों को बच्चों के हवाले से पैगाम देना आपने? पैगाम में देना है, बिलावल भुट्टो ने, आसिफ जरदारी ने बेटा है, और मोहतरमा ने बेटा है, हमारे बेटे जो इधर कोई मिलता नहीं, पानी मिलता नहीं, स्कूल है नहीं, कुछ भी नहीं है, लाइट है नहीं, रोड है नहीं, तो क्या पैगाम देना है? पैगाम इसको चाहिए है कि मैं इधर आए, मेरे गांव के देखे की कैसी हालत है। आप तो सही है इसमें गुजार रहे हैं, हमारे बच्चों की देखो, कपड़े भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है, अस्पताल भी नहीं है, रोड भी नहीं है, पानी। पैगाम किसको दे रहे हैं आप? ये बिलावल भुट्टो को, ठीक है। ये आप देख, एक मरतबा इधर आकर देखें कि हमारे कड़वा पानी कैसे पीते हैं बच्चे आपके। हाँ ना, आकर इधर देखें, हमारे सारा बच्चे बीमार होते हैं। अच्छा भाई, करते क्या तुम इधर, क्या नाम है? बैठे हुए सारे हैं, क्या करते हो सारा दिन? क्या नहीं करते, क्या मतलब करते क्या सारा दिन, क्या करते हो? पढ़ते नहीं हो? नहीं। क्यों, स्कूल नहीं है इधर? जी ना। ठीक है, तो सारा दिन पानी निकालते रहते हो बस, क्या करती हो? बैठो क्या पानी निकालती रहती हो? अच्छा, ये आप देख सकते हैं जनाब, इधर की हालत जो है, ये पाकिस्तान के ये भी बच्चे हैं, हम जानते हैं कि शहरों में ही बच्चे हैं, हुक्मरानों के भी बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चे भी हैं। इनकी आप हालत ज़ाहर देखें, इनकी जिंदगी का जो मतमय नजर है और जिंदगी का फोकस यही है, ये सहरा जिसकी मट्टी आप देख रहे हैं, इस मट्टी के अंदर जिंदगी गुजारते हैं अपनी, और किसी दिन इसी भट्टी के अंदर जो है, इसी रेत के अंदर खाक हो जाएंगे। हुक्मरानों को पता ही नहीं चलेगा कि कब उनके ये राया, ये इनकी राया है, ये इस मट्टी में खाक हो जाएगी। वो शायद आएंगे भी नहीं, वो शायद यहाँ आ भी नहीं सकते। फ्रेंड लाइन का स्पेशल एपिसोड है जो मैं कर रहा हूँ थर के डेजर्ट से, आपको असल पाकिस्तान की पिक्चर दिखाने के लिए। जो मिडिल क्लास सोसाइटीज़, हाई सोसाइटीज़, वहाँ पे भी ख़वातीन एक ज़िंदगी गुजार रही हैं, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएटेबल है, जॉब्स करती हैं, ऊंची सोसाइटीज़ में उठती बैठती हैं, हमारी आपकी ख़वातीन। लेकिन ये थर के इस गांव में, यहाँ पे ख़वातीन क्या करती हैं, ज़रा देखते हैं कि रूटीन क्या है। मुझे यहाँ पे एक आवाज़ भी आ रही है, आवाज़ को फॉलो करते हुए सुनते हैं कि यहाँ पे ये आवाज़ बड़ी एक खास रिदम में, एक बड़ी खूबसूरत रिदम है इस आवाज़ का, तो इस आवाज़ का क्या ताल्लुक है ज़िंदगी से, ज़रा चेक करते हैं। ये हम यहाँ पे हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, ये आप क्या कर रही हैं? चक्की पीस रहे हैं। अच्छा, ये चक्की पीस के करते क्या है इसका? उसके आटा निकाले करने के बाद खाने के, ऐसा कोई मैट्रिक पास में है? नहीं, आप पढ़ी हुई है जी? आप कितना पढ़ी है? मैट्रिक पास। मैट्रिक पास, यहाँ तो स्कूल ही कोई नहीं, तो मैट्रिक कहाँ से पास कर लिया आपने? उमरकोट। उमरकोट से की? जी हाँ। तो यहाँ पे किस तरह शादी के बाद आई है? जी हाँ। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आपके बच्चे तो नहीं पढ़ते यहाँ पे, आपने खुद मैट्रिक किया हुआ है? जी हाँ, बच्चे ने कितने पढ़ा को स्कूल को नहीं, ऐसा है गोठ में आन पानी डुक है, आन चक्की डुक है, ऐसा हर शहर डुक है, जाम तकलीफ ऐसा ना। तो अगर यहाँ पे आपको स्कूल बना के दे दिया जाए तो आप बच्चों को पढ़ाएंगी? जी हाँ, स्कूल ऐसा है, बाल सुधार ऐसा है, निगरा छोकरा। अच्छा, सही है। तो ये बताइए कि यहाँ पे सुबह आपकी रूटीन क्या होती है? एक तो आप पानी
पानी भरने स्टार्ट होता है दिन का आगाज किस तरह होता है? वारस में से गड्ढ दोरा। अच्छा, ये इसको करती पीसती हैं? जी हाँ। सारा दिन कब तक पीसती रहती हैं इसको? सारा दिन कोनी अध कलाक बा कलाक पीसा वाले पानी भरा था वाले बाला ना संभाव था। अच्छा ठीक है। ये जनाब आपका नाम क्या है? समझू समझू जी हाँ, गोट सदा माणी। वजीर तालीम को कुछ कह रहा आपने सिंध के? जी अदा वजीर तालीम वाला कितने आसीन गरीब मानो पीछे पीछे घर पे ऐसा हाथ डुखड़ आया। पढ़ा लिखा तो घर में कोई को बीजो को नौकरी न को बीजी को गरीब मानो और कोई पोरे बकरा। ए वजीर तालीम साहब, पीर बदल हक साहब, ये आपके वोटर्स हैं, ये यहाँ की आवाम है, आप हुक्मरान है, यहाँ की रियाया है, वो आपसे मुतालबा कर रहे हैं इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि जनाब दसवीं पास है इतने मर्दों में, मर्द ज्यादातर निकम्मे होते हैं लेकिन ये दसवीं पास है, ये बाहर से पढ़ के आई है ओवरकोट से, इनकी शादियाँ हो गई थी, इनको जॉब दे दें, स्कूल बना दें यहाँ पे। आप अगर टीचर नहीं भेज सकते पोश एरिया से कराची के, तो ये खुद जिम्मेदारी ले लेंगी एटलीस्ट इस गोठ के अंदर पढ़ाने की, लेकिन एक बिल्डिंग एक स्कूल देने के लिए बना दें, आपके बच्चे तो पढ़ रहे हैं, ये इनकी डिमांड है इनसे आपसे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। ये आप देख सकते हैं बच्चे जो हैं, ये पहले हमने आपको गधे दिखाए जानवर जो कुछ खींच रहे थे, अब ये जो बच्चे हैं ये खींच रहे हैं, ये चाइल्ड लेबर है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन आती नहीं है, आसपास जहांगीर साहिबा को और दूसरों को यहाँ आना चाहिए वैसे देखने के लिए कि ये आपको बच्चे बड़े लड़कियां सब नजर आएंगी चाइल्ड लेबर करते हुए। यहाँ पे हो क्या रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है सर? ये खूह खोद रहा था, खूह के बाद पानी की तकलीफ है बहुत इधर, नया कुआ है ये नया कुआ है। तो ये किस तरह आ रहा है बंदा बाहर भाई? भाई ये अभी बंदा बाहर निकल रहा है, गर्मी हो गई अभी बाहर निकल रहा है, अभी दूसरा डालूगा इधर आदमी। ये देखो अभी कैसे हालत है, अभी पानी नहीं है इधर। क्या हाल है, ये पानी के लिए निकाल? हाँ पानी के लिए, पानी पूरा नहीं है, ये दूसरा निकल गया था, ये अभी ये कला हुआ अभी, अभी दूसरा आदमी इधर अंदर जाएगा। अभी ये कितने घंटे रहा अंदर? ये दो घंटे रहा थे अंदर, रहा इतने नीचे कुएं में। हाँ नीचे कुएं में रहे, पानी नहीं मिला अभी तक? पानी नहीं, नहीं, पानी, नहीं। पानी की तलाश में गए नीचे? हाँ नीचे पानी की तलाश में। जनाब पानी की तलाश में लोग यहाँ कुओं के अंदर जाते हैं, हम तो लोग जॉब की तलाश में जाते हैं, इनकी यही जॉब है सबसे बड़ी। तो ये यहाँ पे अभी तक क्या मिला है? पत्थर मिला, पानी मिला, क्या मिला है? दिखाओ जरा दिखाओ, ये निकला अभी तक? पानी निकला अभी? पानी नहीं निकला अभी, पत्थर ये निकला अभी। अच्छा तो ये अच्छा, यहाँ पे डेवलपमेंट के काम जो है आप खुद कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे वसा वाले पानी वाले और कोई नहीं आ रहे? और कोई कोई नहीं, खुद कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे हुकूमत नहीं आती ये काम करने? नहीं नहीं हुकूमत नहीं है, आप करते रहते हैं? आप करते रहते हैं। भाई आपने वोट किसको दिया था आखिरी मर्तबा? वोट पीपी को दिया था। पाकिस्तान कौन था यहाँ से? मैंने अली मर्दा शाह। तो वो आते नहीं यहाँ पे? नहीं वो नहीं आया इधर अभी तक, नहीं आए? नहीं नहीं वजह नहीं, नहीं आया अभी तक। मांगने आए थे? वोट मांगने आए थे, वोट देना, उसके बाद नहीं आए? नहीं आया। मर्दान शाह? अली मर्दान शाह। अली मर्दान शाह? अली मर्दान शाह। ये अच्छा ये वोट डालने आप यहाँ पोलिंग बूथ तो कहीं नजर नहीं आ रहा, वोट कहाँ डालते हैं आप जाके? वो लालटा हूँ 20 किलोमीटर पे। 20 किलोमीटर? हाँ दूर जाते हैं। हाँ प्यादे चलते हैं। सैयद मर्दान अली शाह के लिए वोट डाले? हाँ अली मर्दान शाह। अली मर्दान शाह लिए वोट डाले 20 किलोमीटर? 20 किलोमीटर। वो कभी इधर नहीं आया? नहीं आया अभी, नहीं आया अभी, नहीं आया। अली मर्दान साहब ये आपके वोटर हैं, ये आपके लिए वोट डाले 20 किलोमीटर जाते हैं, आप जो है गाड़ी में बैठे कम से कम इधर आ जाए और इनके मसले हल कराएं, इनको रियाया ना समझे, ये पाकिस्तान की आवाम है। लेकिन यहाँ पे कर कर ये इंसान का आप हाल देखें, ये यहाँ पे मशीनों के बजाय ये इंसान है, ये इसका ये दो घंटे अंदर रहा है इस कुएं में। तो अली मर्दान साहब आप आगे अंदाजा लगाएं, वोट लेने के लिए आप आए थे इधर, लेकिन इसकी हालत ज़ार देखें आप जरा, और ये अब शिफ्ट चेंज हो जाएगी, एक और बंदा नीचे जाएगा, सुबह से लेकर रात तक यही करता रहेगा। आप जरा निकले एयर कंडीशन से बाहर आके जरा इस तपती हुई धूप और सहरा में, इन लोगों का काम तो देखें कर क्या रहे हैं ये, अपनी जिंदगी बचाने के लिए और आपके लिए फिर 20 किलोमीटर दूर वोट देने आते हैं, ये इस तरह ही है? इनको रियाया ना समझे, ये आवाम है पाकिस्तान के, इनके वोट से आप हुकूमत में बैठे हुए हैं। ये फ्रंट लाइन का स्पेशल एपिसोड है, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि इलेक्शन के बाद अवामी हुकूमतें जब अवाम में से वोट लेके इकदार में आती हैं तो उसके बाद अवाम का हाल क्या करती हैं, ये अवाम है पाकिस्तान की।